नीचे गिर गई थी। अरे फिर तो आपको घर के काम करने में बहुत परेशानी आ रही होगी, है ना? सही कहा, इसलिए मैंने एक मेड रख ली है जो मेरे सारे घर के काम बहुत अच्छी तरह करती है। ओह, वो हाउसवर्क सर्विस से आई है। अच्छा, मैं तुम्हें उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ, ले लो ये रहा। ओह अच्छा, तो ये कंपनी घर के कामों में बहुत ही मदद करती है। तो ये लोग घर का क्या क्या काम कर सकते हैं मॉम? बेटा ये हाउसवर्क सर्विस है, ये लोग जिन्हें भेजते हैं उन्हें घर का सब काम आता है। इसका मतलब अब और भी आराम कर सकेंगी। चुप रहो। मगर ये महंगा होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इनके बारे में मेरी एक दोस्त ने बताया, फिर मैं उनसे जाकर मिली और उन्होंने पहली बार में मुझे 2 घंटे की फ्री ट्रायल सर्विस दी। जानते हो, पहली बार ये लोग 2 घंटे फ्री में काम करते हैं। ऐसी बातें आपको जल्दी पता चल जाती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है शिनचैन? कुछ नहीं, जब कजामा की मॉम ने मुझे इस कंपनी की सर्विस के बारे में बताया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनकी मदद ले लूं। समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। जो लोग हमारे घर काम करने आएंगे वो हमारे खाने पीने का तो ध्यान रखेंगे ना? वो भला तुम्हारे खाने पीने का ख्याल क्यों रखेंगे? अच्छा सुनिए मॉम, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये लोग घर का हर काम करते हैं, बताइए। हाँ, घर का हर काम। वो लोग तो सच में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। ये साबुन हमारी कंपनी ने ही बनाया है, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। हाँ? जब तक मैं यहाँ सफाई का काम करती हूँ आप जाकर आराम कीजिए। आज शहर में बहुत सर्दी है, इस वजह से लोग घरों में आराम कर रहे हैं। मैं आराम नहीं कर सकती। है कि आने वाले शिनचैन, क्या बात है, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? वैसे तो तुम बहुत बोलते हो। ये क्या है, बताइए आप क्या कर रही हैं मॉम? बस हमेशा सवाल करते हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चों की तरह सवाल पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे टीवी देखने दीजिए। चलो, तुम्हें समझ तो आया कि सारा दिन सवाल नहीं पूछा करते, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हें स्कूल का काम भी करना है। अरे, सफाई का काम हो गया क्या? गैस की सफाई तो हो गई, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सिंक की सफाई शुरू कर दूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे प्यास लगी है, मैं जूस लेने जा रहा हूँ। ठीक है, पर फ्रिज ध्यान से खोलना। तो क्या लगता है शिनचैन ने फ्रिज का सामान बाहर गिरा दिया? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आप इनसे फ्रिज भी साफ क्यों नहीं करवा लेती? फ्रिज से कुछ भी निकालने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन शिनचैन, ये हमारे फ्रिज की हालत देखकर पता नहीं क्या कहेंगी। तभी तो कह रहा हूँ साफ करवा लीजिए। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं फ्रिज साफ कर दूंगी। देखा, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शिनचैन, हमारे फ्रिज में तो बहुत सारा सामान भरा हुआ है। लीजिए, मैंने सिंक की सफाई कर दी। क्या? ये तो चमकने लगा, आपने तो बहुत जल्दी कर दिया। मुझे लगता है मेरा काम इसलिए जल्दी हुआ क्योंकि आपने पहले से ही थोड़ी बहुत सफाई कर रखी थी। अच्छा, क्या ऐसी बात है? आंटी, आप जाते जाते मॉम को भी ऐसी सफाई करना सिखा देना। मुझे आपके काम करने का तरीका पसंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, आप काम की चिंता छोड़िए और जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मैं जाती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काम हो गया, लेकिन अभी भी 30 मिनट बचे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लग ही नहीं रहा कि ये हमारा किचन है। जी आपका शुक्रिया। अभी आधा घंटा और है, आपको कुछ और कराना है? फ्रिज को अंदर से साफ कर दीजिए। फ्रिज की सफाई रहने दो शिनचैन। मैं कर देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आधे घंटे के अंदर फ्रिज की सफाई का काम पूरा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। इन्हें फ्रिज साफ, ये खराब हो गया। अरे ये तो पिछले साल का है, इसको भी फेंक देते हैं, ये भी खराब हो गया। मैं तो ये सब चीजें फ्रिज में रखकर भूल गई और सब चीजें खराब हो गई, गलती हो गई। पता नहीं हमारे फ्रिज में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। अरे आप रहने दीजिए, मैं साफ कर लूंगी, डरती रहिए। अरे ये क्या रखा हुआ है फ्रिज में? ये तो काम का पड़ा है। अरे नहीं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।